मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बुरा सपना था शायद। हाँ सपना था, हाँ सपना ही था। ऊपर भी कोई नहीं है। ये है, यही रहा तो ऐसे बुरे बुरे सपने आएंगे। शीतलिंगा निकल ले यहाँ से, यहाँ नहीं रहना बिल्कुल। चल चल चल। गुरुजी, गुरुजी, बुरा सपना आया मुझे गुरुजी। ये वाकई में बहुत खतरनाक जंगल है। अगर उन्होंने सही समय पर अपने आदमी नहीं भेजे होते तो हम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाते। बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़े तो ऐसे ही होगा ना। वैसे भी आपका ये धैर्य मेरी तो समझ में नहीं आता। कितनी बार बोलूं आप सुनते नहीं हैं। एक तो बिल्कुल नई जगह है, ऊपर से जंगल है, ऐसे बिना सोचे जाना ही क्यों और फंसना भी क्यों? जानबूझकर मुझे फंसने का शौक है क्या? सिचुएशन ही वैसी थी। अचानक बच्चे गुम हो जाते हैं तो सब ऐसे ही करते हैं। सही कहा। दो दिन तक घर में सब परेशान हो गए थे। उन दो दिनों में बड़ी माँ ने खाना और पानी तक नहीं छुआ था। जो भी हो, बच्चों का मिलना बहुत ही अच्छी किस्मत है। डैड इज करेक्ट, मम्मी हर बात पर डरती रहती है। बस करो अब, तुम्हारे डैडी एक धैर्यशील है और तुम तो बहुत ही बहादुर हो। लाइफ में ऐसी चीजों को फेस करना बहुत हिम्मत की बात है। हर बात पर इतनी सीरियस क्यों हो जाती है? जब से हम यहाँ पर आए तब से देख रहा हूँ तुम थोड़ा मूडी हो गई हो। सही कहा, मुझे यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लग रहा। वातावरण का क्या है, हमारे शहर से बहुत ही बेहतर है। वहाँ की हवा में पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इंसानों का भी पॉल्यूशन। वहाँ से तो ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर है, इसीलिए कब क्या हो जाएगा ये सब सोचकर घबराती रहती हूँ। बेटा हरीश, तुम जाके खेलो जाओ। ओके डैडी। अब बोलो वो पॉल्यूशन क्या है? उस प्रसाद का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बड़ी माँ की संपत्ति हड़पने के लिए वो और उसका पापा लगे हुए हैं। दिन रात दोनों इन्हीं ख्यालों में रहते हैं। जब आप लोग घर पर नहीं थे तब आके बड़ी माँ को बहुत कुछ सुना के गए। कोर्ट से लॉयर का नोटिस भी भेजा। उसकी धमकियाँ जब भी याद आती हैं मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ, अब तक जीजू यहाँ नहीं आए करके वो इस भ्रम में है कि पूरी संपत्ति उनकी है। भ्रम नहीं है, बड़ी माँ की सारी संपत्ति उस प्रसाद के नाम पर ही करने वाले हैं। उसी के आधार पर लॉयर कोर्ट से नोटिस लेकर आए थे। खुद के बेटे के होते हुए संपत्ति को प्रसाद के नाम पर लिखना ये सही नहीं है। इस गलती के लिए क्या गवाना पड़ेगा और क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। मेरे पास शक्तियाँ हैं पर कभी मैंने उस चीज का घमंड नहीं दिखाया। जो भी शक्तियाँ हैं उसे गलत काम के लिए उपयोग नहीं किया था, धर्म के खिलाफ भी उपयोग नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। शक्तियों का दूसरों के भलों के लिए उपयोग कर दिया है मैंने, ताकि सबका भला हो। मेरी बात सुनो जरा। देखो बेटा, तू मुझसे छोटा है इसलिए कह रही हूँ, कम से कम तेरे जो प्रयत्न है वो सब रोक दे। ये क्या माँ, ये क्या बोल रही हो आप? मेरी बात को मानकर नागराज से माफी मांग के प्रार्थना करनी चाहिए। अपने दोष का प्रायश्चित करो बेटा। बंद करो आपका ये भाषण, सहायता मांगने आया हूँ और तुम ज्ञान दे रही हो, ये ज्ञान देना बंद करो। माँ होने के नाते सहायता करोगी ऐसा मैंने सोचा था। वो नाग शक्ति कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन उसको रोकने की शक्ति तुम्हारे पास है। तुम्हारी शक्तियों के बारे में मुझे पता है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचाओगी कि नहीं बोलो माँ, मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ माँ, बोलो माँ, बोलो बोलो। बस और कुछ नहीं है, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। उस नागमणि को तुम
नाग भैरवी के स्वाधीन में रख दो बेटा। माँ ये क्या कह रही हो तुम? क्या नागमणि को उस नाग भैरवी के स्वाधीन कर दो और उसके पास जाकर उससे क्षमा मांगू मैं? शाबाश, बहुत अच्छा बोली मेरी माँ। तुम मेरी माँ हो ना तो मेरी एक बात तुम भी सुन लो। उस नागमणि को देना, मेरे लिए वो नागमणि देना असंभव है। उससे क्षमा मांगना तो उससे भी ज्यादा असंभव है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। वैसे भी तुम्हारे बारे में जानते हुए भी तुम्हारे पास आया हूं, धिक्कार है, धिक्कार है इसके लिए मुझे। तुम में तुम्हारे बेटे के लिए भी करुणा नहीं है, तुम्हारे पेट से जन्मे हुए बेटे के लिए भी दया नहीं है। धर्मशास्त्र तो खूब जानती हो तुम, लेकिन बेटे को बचाने का धर्म भूल गई हो। गुस्से में कही गई जो बातें हैं वो तो अनर्थ ही करेगा, आत्मरक्षा के लिए उपयोग नहीं होगा। धर्म मार्ग पर चलोगे तो हमेशा सबका भला ही होता है। गलत रास्ते पर जा रहे हो तुम, तुम्हें आखिर कौन बचाएगा? तुम तुम बचा सकती हो, तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। माँ देखो माँ, इस दुनिया में अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो तुम हो। देखो माँ, तुम अपनी मंत्र शक्तियों के बल से उसको बंदी बना सकती हो। माँ मुझे बचा सकती हो, माँ तुम मेरी रक्षा करो। माँ अरे खुद के जने हुए बेटे के लिए इतना तो कर सकती हो ना माँ तुम? मुझसे ये नहीं होगा बेटा, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकती। तो फिर तुम्हारा बेटा उस सांप के हाथों मर जाएगा माँ, तब तुम बहुत पछताओगी माँ, बहुत पछताओगी तुम। छी, मैं जा रहा हूं माँ, इस जन्म में फिर यहां नहीं आऊंगा कभी। जा रहा हूं मैं, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। रुको रुको, जरा रुको बेटा, रुको बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कहा ना रुक जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे जैसे दुष्ट आदमी को पैदा करके, मैं पहले से ही मर रही हूँ समझे। जिंदगी में मेरी सारी शक्तियां मैंने सिर्फ भले के लिए ही इस्तेमाल किए। महान काली बात सुनिए, इसको सही मार्ग दिखाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसको बचाओ ना माँ, इसकी जरा रक्षा करो। अरे क्या हुआ, बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना ही है, नाग भैरवी ने मेरा पीछा करके मुझे काट के मुझे मार दिया सपने में उसने। अरे ज्यादा मत डरो, मुझे भी सपना आया था, नाग भैरवी ने मुझे डस लिया और मैं मर गया था, पर मैं मरा हूँ क्या? हैं, गुरुजी ने हमें तावीज दिया है ना, नाग भैरवी कुछ नहीं कर सकती, डरो मत। हाँ गुरुजी ने दिया है ना इस रक्षा कवच को, भरोसा नहीं है क्या?
वो नाग भैरवी चाहे कुछ करे ना करे, लगता है मैं इस डर से जरूर मर जाऊंगा। डरो मत, डरो मत, मुझे भी मत डराओ। डर तो लगेगा ही ना, लेकिन डरने से कोई फायदा नहीं। जब तक गुरुजी नहीं आते, हम माता जी से प्रार्थना करते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। माँ परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, अखिलांडेश्वरी। संपत्ति के बारे में सोच रही हो ना, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। यहाँ की संपत्ति पर उनको आशा नहीं है, माँ के प्यार के अलावा उन्हें और किसी चीज की आशा नहीं है। देखते देखते इतनी संपत्ति को कैसे छोड़ सकते हैं? संपत्ति से ज्यादा माँ का प्यार जरूरी होता है। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी, इन्हें अगर देखो तो ये तो बिल्कुल माँ जैसी लगती है। हमारी किस्मत अच्छी है तो इसे हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी अब हमें किस चीज की कमी है? कमी तो नहीं है, पर मेरी बात मानो तो। अरे नहीं भैया, आपके प्रयत्न छोड़ दो, उनके आने के बाद ही मैं सारी संपत्ति प्रसाद के नाम करवा दूंगी और माँ को हमारे साथ ले चलते हैं। माँ को ले जाने की सोच बिल्कुल सही है तुम्हारी, लेकिन हम संपत्ति को छोड़ तो नहीं सकते। यहाँ की संपत्ति तो यहाँ की ही है, हम उसे कहाँ रखेंगे? आप तो काम में हमेशा बिजी रहते हैं, हमारे साथ वक्त बिताने का टाइम नहीं है, और उनके पास यहाँ आकर आप कौन सा काम कर लेंगे? सही है, तुम्हारे पति को कोई काम करने की जरूरत नहीं, पर लॉयर के नोटिस के डर से उस लक्ष्मीपति की बात मानकर संपत्ति को प्रसाद के नाम पर करने से अच्छा नाग मंदिर में दान दे दो, मंदिर की हालात बेहतर हो जाएंगे, तुम्हारे सास और ससुर की इच्छा भी पूरी होगी। सही है, गुड आइडिया। हमारे घर की देवता का कम से कम इस तरह तो भला कर सकते हैं। मैं उनसे बात करूंगी, मैं जरूर बात करूंगी। सुनो चित्रलिंगा। बोलो शंभुलिंगम। हमारे गुरुजी ने लगता है उस नाग भैरवी को जमीन में जिंदा गाड़ कर गलती की है। अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ क्यों लगता है मतलब, जब से उन्होंने ऐसा किया है क्या हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं? नहीं नहीं। चैन की नींद सो पा रहे हैं? नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। एक कदम उठा के दूसरा कदम रख पा रहे हैं? नहीं। इसलिए पूछ रहा हूँ। उस नाग भैरवी ने हमारे दो आदमियों को काट कर मार दिया। पर कहाँ मार दिया था? जहाँ पर नाग भैरवी को जिंदा गाड़ दिया था वहीं मैं पर। मैं भी वही बोल रहा हूँ। चित्रलिंगा अब और कौन बचा है, तुम और मैं ही ना? है हमारे पास गुरुजी का दिया हुआ ताबीज है ना? ताबीज तो है। इस ताबीज पर तुझे भरोसा नहीं, मतलब गुरुजी पर भरोसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो भरोसा है, है? पूरा भरोसा नहीं है, है? मतलब अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या करेंगे? इस जंगल में एक डोरा नाम का आदमी है, उसे बहुत कुछ पता है। हाँ। उसके पास बहुत शक्ति है। हाँ। हम किसी को भी बिना बताए उसके पास चलते हैं। अगर ये बात गुरुजी को पता चल गई तो? कैसे पता चलेगा, जाएंगे तो हम दोनों ही ना, मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं भी नहीं बोलूंगा तो मत बोलना। हम उसके पास जाएंगे, उससे और एक ताबीज बनवाएंगे, उस ताबीज को गुरुजी को दिखाएंगे नहीं, हम अपने अंदर छिपा के रखेंगे। उतना ही काफी है। वो एक बड़ा जंगल है
और तो और बहुत घना भी है, चींटियां भी न मिलने जितना घना है। उतने बड़े जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे एक मांत्रिक है। वो मांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। वो एक खिलौने पर पूजा कर रहा है। पूजा के समय में ही एक नींबू लेकर उसने उस खिलौने पर निचोड़ दिया। फिर जाकर नीचे से एक चाकू उठाया और फिर उस खिलौने पर खचाक खचाक मारने लगा। उससे बच्ची घर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस समय उस बच्ची को क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा था। क्या करना है नहीं पता, कहाँ जाना है नहीं पता। तभी वो घर से बाहर निकल गई और निकल के जंगल की तरफ चली गई। तभी उस बच्ची को देखकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। उस बच्ची को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, सीधा चलती गई, कहीं नहीं रुकी। और वो चलती गई, जमीन के अंदर से हाथ निकल आते हैं, कहीं दूर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहाँ के पेड़ पौधे सबके सब हिल रहे थे। उसी समय आसमान फटने जैसा होने लगा। तभी डर के मारे ऊपर देखा, धड़ाम से कुछ ऊपर से आके उसके सर पे गिर गया। जब घबरा कर उसने ऊपर देखा तो ठप से फिर उसके ऊपर कुछ गिरा। क्या गिरा है? एक बूंद। वो क्या है देखा तो कौवे ने कांड कर दिया था। गया मैं तो। ए, ए, और कितना दूर है शंभुलिंगा? पूछ क्यों रहे हो, चिंता मत करो, चलो। कब से बोल रहा है आ गया है, आ गया है, आ गया है। अरे कहाँ आ गया है? आ ही गया है, चलो। अरे मेरी माँ, अरे चित्रलिंगा रुको, उधर कहाँ जा रहे हो? तूने मुंह इधर को उठा रखा था तो तेरे पीछे चल रहा हूँ ना। उधर नहीं, इधर। वहाँ से जाएंगे तो बहुत दूर पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो नजदीक पड़ेगा। चलो इधर से चलते हैं। ऐसा है क्या? अरे चलो।